गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, चैप्टर नंबर फोर ऑफ टर्म थ्री. चैप्टर नेम इज वर्किंग ऑफ आर गवर्नमेंट एंड दिस इज समरी लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी विल कवर द फॉलोइंग पॉइंट. Subtopic: the executive, the governor, the chief minister and council of ministers, the state legislature and the state judiciary. First of all, we will recall our previous lecture. In our previous lecture, we have learned about three organs of the two governments are the executive, the legislature, and the judiciary. Government ke teen organs hote hain. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड ज्यूडिशरी. कोई भी लॉ लेजिस्लेचर में बनता है, एग्जीक्यूटिव में वो पास होता है एंड अगर वो ब्रेक डाउन होता है या कोई इश्यू आता है तो उसका सेटलमेंट ज्यूडिशरी में होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. हमारा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है. यहां पर गवर्नमेंट टू टाइप से काम करती है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लेवल पे काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो अपने अपने स्टेट के लेवल पे काम करती है. जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये सभी स्टेट्स हैं. तो इन सभी स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली में है जो कि पूरे कंट्री के लेवल पे काम करती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट It consists of the president, the vice president, and the council of minister headed by the prime minister. Central government ye president, vice president aur council of minister se milkar bante hai. जिनके हेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं. द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट असेंबलीज. प्रेसिडेंट जो कि हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीजन माने जाते हैं, जैसे हमारे घर में, हमारी फैमिली में हमारे हेड होते हैं, उसी तरह से प्रेसिडेंट भी होते हैं. और ये आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सबके सुप्रीम कमांडर मींस हेड होते हैं और इन्हें 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है. और इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनका इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज के मेंबर मिलकर करते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो मींस एक तरह से चेयरमैन या हेड होते हैं.
अपनी पोजीशन की वजह से. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री. प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल में जो मिनिस्ट्री काम करती है, जितने भी सेंट्रल में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके हेड होते हैं. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट लिव विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गवर्नमेंट की जो जितने भी फंक्शनिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर होती है. उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा किए जाते हैं. लेजिस्लेचर. द पार्लियामेंट इज द प्लेस वेयर लॉज आर मेड. द पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा. पार्लियामेंट वो जगह है जहां पर लॉ बनाए जाते हैं. पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है. नाउ राज्यसभा. द राज्यसभा ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस हैज 250 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, 12 of whom are nominated by the president. राज्यसभा, जिसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं, ये परमानेंट हाउस होता है. इसके मेंबर्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी भंग नहीं होती, ये कभी भी खत्म नहीं होती. इसके मेंबर्स बदलते रहते हैं. इसमें टोटल 250 मेंबर्स होते हैं जो 6 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, और जिनमें से 12 को जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे आर्ट, साइंस, ये सब, लिटरेचर, इन सब में एक्सपर्ट होते हैं. द लोकसभा और द लोअर हाउस कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 552 मेंबर्स इलेक्टेड बाय एनी इंडियन सिटीजन अबाउ द एज ऑफ 18 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, इसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स होते हैं जिन्हें इंडियन सिटीजन द्वारा वोटिंग द्वारा चुना जाता है, जिसे हम लोकसभा के चुनाव भी कहते हैं. और जो भी सिटीजन, इंडिया का सिटीजन जो अबाव 18 या तो 18 ईयर या उसके ऊपर है, वो वोट कर सकता है और इनको 5 ईयर के लिए चुना जाता है. ज्यूडिशरी. इट इज द प्लेस वेयर जस्टिस इज granted to the people of our country. The president appoints the chief justice and 30 other judges. Judiciary means न्यायपालिका. ये वो जगह है जहां पर हमारी देश के लोगों को, हमारी कंट्री के लोगों को न्याय मिलता है. अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई इश्यू होता है, तो हम ये कहते हैं कि चलो हम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां हमें जस्टिस मिलेगा. तो ये वो जगह है जहां पर हमें जस्टिस मिलता है, जहां हमें न्याय मिलता है. हमारे कंट्री की जो सबसे बड़ी ज्यूडिशरी है वो है सुप्रीम कोर्ट. प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को और 30 अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं. नाउ स्टेट गवर्नमेंट.
अब हम देखेंगे, अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, अब हम देखेंगे कि स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है। स्टेट लेवल पे भी जैसे सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी थे, उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव, द गवर्नमेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर कंस्टिट्यूट्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, उसी तरह से स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर पोजीशन होल्ड करते हैं, वो काम करते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको कि चीफ मिनिस्टर, जिनके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव इस लेवल पे बनती है। द गवर्नर, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years। गवर्नर स्टेट के, जो पूरा स्टेट होता है अपना, उसके हेड होते हैं। जैसे कंट्री के हेड जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, ऐसे ही स्टेट के हेड गवर्नर को कहा जाता है। और इसे इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा 5 साल के लिए चुना जाता है। द गवर्नर हाउएवर ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड बिफोर कंप्लीट हिज 5 year टर्म। गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और 5 साल के लिए इन्हें चुना जाता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट इनके काम से खुश नहीं है तो इन्हें 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही हटाने का भी पूरा पूरा राइट प्रेसिडेंट को होता है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द विधानसभा असेंबली द चीफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल पर जो चुनाव होते हैं उन्हें विधानसभा चुनाव कहा जाता है। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव में जो भी पार्टी विन करती है, ज्यादा वोटों से जीतती है, वो अपनी गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर बनाती है और गवर्नर उस लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी में से जो लीडर है उन्हें एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। नाउ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द गवर्नर हैज टू अपॉइंट ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी मीन्स जो पार्टी ज्यादा वोट से विन करती है उसे मेजोरिटी पार्टी कहते हैं। तो गवर्नर उस मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको ही एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं असेंबली में। द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल इन द स्टेट। He selects his ministers to run the state government. जो चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है वो स्टेट में सबसे पावरफुल ऑफिस होता है और इसे जो अपने मिनिस्टर्स को
सिलेक्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर और स्टेट में गवर्नमेंट बनाते हैं, ताकि यहाँ स्टेट में स्टेट लेवल पे वो अपनी गवर्नमेंट को चला सके। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द स्टेट लेजिस्लेचर। एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेचर। सम ऑफ द लेजिस्लेचर्स हैव टू हाउसेस। सभी स्टेट में लेजिस्लेचर होती है। किसी किसी स्टेट में इसके दो हाउसेस होते हैं। लोअर हाउस इज नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा एंड द अपर हाउस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। द स्टेट लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं कि राज्यसभा और विधानसभा होती है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे जो लोअर हाउस होता है उसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं या विधानसभा बोलते हैं, और जो अपर हाउस होता है उसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है। जैसा पहले ही बताया था कि लेजिस्लेचर वो जगह है जहां पर लॉ बनते हैं, तो स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेचर वो है, ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है जहां हम कानून बनाए जाते हैं। नाउ द स्टेट ज्यूडिशरी। जो स्टेट लेवल पे जो ज्यूडिशरी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑर्डिनरीली एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लगभग सभी स्टेट में हाई कोर्ट होती है। जैसे पूरे कंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट एक होती है, उसी तरह से हाई कोर्ट भी स्टेट लेवल पे होती है, और लगभग सभी स्टेट्स में हाई कोर्ट होती है। और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते जज होते हैं उन्हें और कुछ दूसरे जजों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। बिलो द हाई कोर्ट आर द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सभी केस हाई कोर्ट में तो नहीं लड़े जा सकते, इसीलिए हाई कोर्ट से जो निचली कोर्ट होती है, नीचे लेवल पर जो कोर्ट होती है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट कहलाती है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर आर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। मेनली इसमें अलग अलग डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जाते हैं। द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस जज इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाईएस्ट कोर्ट होती है। नाउ वी विल डू क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर अगेन। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज थ्री ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड ज्यूडिशरी। इंडिया में तीन ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड ज्यूडिशरी। द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल गवर्नमेंट या जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर, जिनके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिन्हें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, इट इज द लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल। पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग बॉडी भी कहा जाता है, मीन्स पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर से मिलकर बनती है और इसे सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर कहा जाता है, मीन्स जहां पर सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाए जाते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर मे कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, द विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर होती है उसमें दो हाउसेस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट मिनिस्ट्री एंड लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट लेवल पे मिनिस्ट्री के हेड होते हैं और जो मेजोरिटी पार्टी होती है स्टेट लेवल पे उसके लीडर होते हैं। द गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? एंड आंसर इज द टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये टू सेट्स हैं जो कि इंडिया में एज अ गवर्नमेंट काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? आंसर, द पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? एंड द आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट असेंबलीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। प्रेसिडेंट को लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स के द्वारा 5 years के लिए चुना जाता है। नाउ टुडेज होमवर्क। On the basis of today's lecture, you have to write the following question answer, question number 4 and question number 5. And I will give you one assignment. Question number 4, name the legislative organ of the state
assemblies? Answer is legislative assemblies and the legislative councils are the legislative organ of the state assemblies. Legislative assembly और legislative council ये दो organs होते हैं legislative state level पर जो assemblies होती हैं legislative assemblies जो होती हैं उनके ये दो organs होते हैं. Question number 5, who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha? And the answer is the vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Vice president Rajya Sabha ke ex officio chairman hote hain. So this is all about this chapter. I will upload one assignment on Adquar and on WhatsApp. And goodbye for today. Take care.